यदि आपसे पूछा जाए कि सन 2300 जो आएगा, आने वाला 2300 रहेगा, वो लीप ईयर होगा या नहीं होगा, तो ज्यादातर लोगों को यह पता है कि लीप ईयर कैसे पता किया जाता है, 4 से भाग दो, 4 पंजे 20, 3 बचा, 4 से 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, भाग चला गया, मतलब हाँ सर लीप ईयर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लीप ईयर पता करने का क्या तरीका है, मैं आज आपको सिखाता हूं, ये लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर कैसे पता करें, तो लीप ईयर दो तरीके से पता किया जाता है। यदि सेंचुरी ईयर है, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, ऐसे करके आगे जाके 2000 आएगा, 2000 के बाद 2100 आएगा, ऐसे ही आगे क्या आएगा, 2300 आएगा, इनको बोला जाता है सेंचुरी ईयर। और नॉर्मल ईयर क्या होगा, नॉर्मल ईयर 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 99 के बाद 101 आएगा, 101 के बाद 102 आएगा, ऐसे करके चलता जाएगा। तो यदि सेंचुरी ईयर है और आपको पता करना है लीप ईयर होगा या नहीं होगा, तो आपको कैसे भाग देना है, 400 से, यदि भाग चला गया तो वो लीप ईयर होगा। और नॉर्मल ईयर को पता करना है तो कैसे भाग देना है, 4 से भाग देना है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा 2040, ये नॉर्मल ईयर है क्योंकि सेंचुरी में नहीं आ रहा है, 4 से भाग दे दो, 4 × 5 = 20, 4 × 20 = 4, 0, 510 आ जाएगा, हाँ ये लीप ईयर होगा। अगला दिया गया 1700, ये सेंचुरी ईयर है, 400 से भाग दे दो, 400 × 00, 4 से 16 नहीं कट रहा है, नहीं ये लीप ईयर नहीं होगा। 2016 लीप ईयर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल 4 से भाग दे दो, 4 से भाग चला जाएगा, 4 × 5 = 20, 0 × 4 = 16, हाँ ये लीप ईयर होगा। अगला सवाल आपके लिए कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसी तरह के कॉन्सेप्ट के लिए माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।